हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो हम जानने वाले हैं सेल्स, अगर आपने नंबर, एलिमेंट, फॉन्ट या क्लिपबोर्ड के बारे में ठीक है नहीं जाना है तो आप चैनल पर जा सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं और इसके बारे में सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं ना कोई देरी के। इसके बाद आते हैं हमारे ठीक है इंसेट, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ठीक है। तो ये जो नाम है ठीक है, इसके पास मुझे क्या करना है, एक ठीक है एक बॉक्स को ठीक है क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पर क्लिक करूँगा, तो देखिए आ गया ठीक है। तो इनके बीच में मेरा एक जो था रो थी ठीक है वो आ चुकी है ठीक है। अभी इसको मैं सॉरी ये चीज़ तो ऐसी गलती से आ गई ठीक, हो गया मेरी एक रो आ चुकी है ठीक है, इंसर्ट हुई है ठीक है। इसी तरीके से आप भी अपनी ठीक है अपने जो भी टेक्स्ट लिखा है, जो भी डाटा बनाया है उसमें रो को इंसर्ट करा सकते हैं ठीक है। अगर आपको यहाँ से करानी है तो यहाँ से करा सकते हैं, अगर कॉलम को इंसर्ट कराएं तो कॉलम को करा देना, रो को कराएं तो रो को इंसर्ट करा सकते हैं आप ठीक है। या यहाँ से भी आप इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ, रो को इंसर्ट कराऊंगा ठीक है। पहले तो कंट्रोल जेड ठीक है, मैं यहाँ को सिलेक्ट नहीं करता, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ठीक है। देखिए आगे रो एक ठीक है, सॉरी इसको कहते हैं कॉलम ठीक है, रो इसको कहते हैं ठीक है। तो आ गया मेरा एक कॉलम ठीक है, तो क्या आ गया, कॉलम आ गया ठीक है। इसी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में रो को सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं ठीक है। इसके बाद आते हैं आप, अगर आपने ये देखो अपने डॉक्यूमेंट में कोई रो है ठीक है या कोई कॉलम है, इनको इंसर्ट कर लिया पर आप चाहते हैं इसको डिलीट करना, तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि ठीक है गए और डिलीट कर दिया ठीक है, इस पर गए और डिलीट कर दिया ठीक है। हो गया, डिलीट हो गया मेरे जो भी इंसर्ट किया था मैंने रो या कॉलम ठीक है। इसके बाद आती है हमारी फॉर्मेटिंग ठीक है, फॉर्मेट या फॉर्मेटिंग, एग्जांपल के लिए इसको रख लेते हैं ठीक है। ये क्या है, रो हाइट ठीक है, अगर आप रो हाइट को बढ़ाना चाहते हैं ठीक है तो आप रो हाइट को बढ़ा सकते हैं। क्लिक करके देखिए मेरी रो की स्टाइल बढ़ चुकी है ठीक है। तो आप इसी तरीके से रो की स्टाइल बढ़ा सकते हैं और कॉलम की स्टाइल बढ़ा सकते हैं, मतलब सॉरी साइज बढ़ा सकते हैं ठीक है। इसके बाद आप किसी भी कॉलम को हाइड कर सकते हैं ठीक है, रो को हाइड कर सकते हैं, कॉलम को हाइड कर सकते हैं या किसी सीट को हाइड कर सकते हैं। अगर जैसे कि मैंने इस रो को हाइड कर दिया ठीक है, तो मैं इस रो को लेके कैसे आऊँगा, दोबारा हाइड में जाऊँगा और ये क्या लिख रखा है अनहाइड, तो मैं अनहाइड करके यहाँ को इसमें वापस आ सकता हूँ ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट में इस रो को वापस ला सकता हूँ ठीक है। तो आज के सेक्शन में हमने स्टाइल के बारे में सीख लिया और सेल के बारे में भी सीख लिया ठीक है। तो सेल में हमने इंसर्ट करना सीखा रो या कॉलम को ठीक है, डिलीट करना सीखा और उसमें क्या किसी भी रो को ठीक है उसकी हाइट को बढ़ाना सीख लिया और कॉलम की किसी की भी ब्रेथ को बढ़ाना सीख लिया ठीक है। इसी के साथ साथ हमने रो को हाइड करना सीखा और अनहाइड भी करना सीख लिया ठीक है। इसी के बाद इसमें एक और सेक्शन आता है, ये क्या है, प्रोटेक्टर ठीक है, प्रोटेक्ट सीट ठीक है। अगर आप अपने ठीक है अपनी जो सीट है ठीक है आपकी जो सीट है इसमें को प्रोटेक्ट करना चाहते हो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं ठीक है, जैसे कोई पासवर्ड लगा सकते हैं 454 ठीक है। क्लिक किया दोबारा ठीक है, क्लिक कर दिया, अब मेरे क्या देखो मेरे जो भी ऑप्शन थे सब क्लोज हो चुके हैं ठीक है। इसी तरीके से आप भी अपने डॉक्यूमेंट में लॉक लगा सकते हैं ठीक है, ताकि आपका डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहे ठीक है। अगर आपको इस लॉक को तोड़ना है ठीक है, मतलब ठीक है अगर आपको ये डॉक्यूमेंट द्वारा एडिट करना है तो यहाँ पर आपसे जा सकते हैं ठीक है अनलॉक पर, तो जो पासवर्ड था आपका वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए और क्लिक कर दिए, देखिए सारे ऑप्शन द्वारा खुल चुके हैं ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में लॉक भी लगा सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ठीक है,
और हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके की जानकारी फ्री में पाने के लिए, ठीक है। तो